खबर आपको बताएंगे राजकोट यानी गुजरात के राजकोट में गुम जोन की घटना के बाद में यहां पर भी निगम प्रशासन जागा है। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियार ने निर्देश दिए हैं कि ग्रेटर क्षेत्र में सभी गेम जोन के ऑडिट और निरीक्षण कराए जाएंगे। आयुक्त के आदेश के बाद फायर की टीमें निरीक्षण करने निकली है। फायर फाइटिंग सिस्टम एंट्री और एग्जिट व्यवस्था, फायर NOC की जाँच भी सुरक्षा मानकों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं इसकी भी टीमें अब जाँच करेंगी। राजकोट में गेमिंग जोन में जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, ज़्यादातर उसमें बच्चे शामिल हैं, उसके बाद में राजस्थान सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है और अब देखें शुरुआत इसकी हो गई है। शुरू में फायर फाइटिंग सिस्टम एंट्री और एग्जिट व्यवस्था, फायर NOC की जांच की जाएगी। सुरक्षा मानकों के अनुसार ये चल रहे हैं, गेमिंग जोन की नहीं चल रहे हैं, इसको भी देखा जाएगा। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, ग्रेटर क्षेत्र में सभी गेम जोन के ऑडिट क्या शुरू हो गए हैं क्या? अगर हो गए हैं तो किन किन चीजों को देखा जाएगा इस पूरी जांच में? देखिए, गुजरात के राजकोट में जो घटना हुई RTRP गेम जोन में, उस घटना से हर कोई कह सकते हैं कि विचलित है, क्योंकि कई मासूमों की उसके अंदर जान है वो चली गई है, 30 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि ये तो आप तय मानिए कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद ही हमारा सरकारी तंत्र है वो जागता है और फिर आनन फानन आदेश निकालता है, हो सकता है और कह सकते हैं कि निरीक्षण के आदेश निकालता है। उसी कड़ी के अंदर नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने यहाँ पर सभी जो फायर की शाखा है उनके अधिकारियों को आज ही रिपोर्ट है वो तलब की है, क्योंकि सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और इसके अलावा जो UDH प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीज अधिकार, तो उन्होंने डायरेक्शन यहाँ पर जारी कर दिए थे कि सभी जो गेम जोन है जयपुर के अंदर, जो बड़े बड़े गेम जोन चल रहे हैं, उनकी जो सुरक्षा ऑडिट है वो यहाँ पर की जाए। गेम जोन हादसे के बाद में सरकार अलर्ट मोड पर आई है और उनकी सिक्योरिटी जो ऑडिट है उनके डायरेक्शन देने के बाद में नगर निगम ग्रेटर की जो अलग अलग जो फायर जो विंग है उनके अधिकारी सभी गेम जोन के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्या जो मानक हैं सुरक्षा मानक हैं उन पर वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या एंट्री और एग्जिट, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे ज्यादा गेम जोन में बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं, तो क्या छोटे बच्चे इसके अंदर कह सकते हैं कि जो आते हैं खेलने के लिए गेम जोन के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम गेम जोन के अंदर है, क्या फायर फाइटिंग सिस्टम है या नहीं है, फायर NOC ली गई है या नहीं ली गई है, साथ में यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए अलग से इमरजेंसी गेट है या नहीं है, इन तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। और साथ में जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको, ये अलग अलग जो नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र के जो गेम जोन है उनकी ये तस्वीरें हैं। आयुक्त रुक्मणी रियार के निर्देशों के बाद ये टीमें वहां पहुंची है, उन्होंने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद में एक रिपोर्ट है जो कि UDH जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने पूरी नगर निगम हेरिटेज जैसे वो तमाम निकायों से रिपोर्ट मांगी है और साथ में सुरक्षा ऑडिट के जो डायरेक्शन दिए हैं कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि अधिकतर ये जो गेम जोन है वो कह सकते हैं कि मॉल्स के अंदर चल रहे हैं, कि मॉल्स के अंदर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, तो इन चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए राजकोट की जो घटना है वो दिल दहलाने वाली घटना है, कई मासूम उसके अंदर, किसी का बेटा है किसी का भाई है, वो कई है कई जाने चली गई है, तो ऐसे में यहाँ पर एक सतर्कता बरतते हुए उस हादसे को, उस वो राजकोट जैसा हादसा राजधानी जयपुर में नहीं हो, इसके लिए डायरेक्शन है वो जारी कर दिए हैं, सरकार भी अलर्ट मोड पर है और सरकार रिपोर्ट ले रही है कि जो निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं और उसकी जो रिपोर्ट लेने के बाद SGI और क्या कमी होगी, जहाँ एंट्री एग्जिट नहीं होगा, जहाँ गेम जोन सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं चल रहे होंगे उनके ऊपर एक्शन भी होगा, इसकी कार्रवाई भी होगी, हालांकि अभी कार्रवाई चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत पूरी जो कह सकते हैं जो SGI रिपोर्ट है वो आएगी कि कितने जोन जयपुर के अंदर गेम जोन चल रहे हैं और किस हालात में है और क्या बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपने कल देखा होगा कि 500 रुपए का टिकट और जब वो कह सकते हैं कि 99 रुपए पर आ गया तो वहाँ भारी भीड़ उमड़ रही थी और एक कल्चर बन गया है कि लोग यदि उनके पेरेंट्स घूमने चल जाते हैं तो दीपक छोड़ जाते हैं। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, लेकिन ये बताइए कि इस पूरे ग्रेटर क्षेत्र में कितने गेमिंग जोन होंगे, अगर कुछ आंकड़ा आया हो तो, एक ये बात। दूसरी बात ये, चूंकि आज संडे है तो क्या आज के दिन सभी को बंद कर दिया गया है कि जब तक जांच होगी तब तक यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी? ऐसा नहीं है, दो तस्वीरें आपको नजर भी आ रही होंगी, बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, गेमिंग जोन बंद नहीं किए हैं, गेम जोन बंद करने के यहाँ डायरेक्शन जारी किए हैं,
संडे का दिन है तो फुटबॉल ज्यादा रहता है, जो बच्चे हैं खेलने के लिए ज्यादा रहता है, हालांकि गरीबों की छुट्टी है, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनको कहीं जाना होता है तो वो एक या दो घंटे कह सकते हैं कि गेम जोन के अंदर बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि गेम जोन की जो तस्वीरें नजर आ रही है, फायर फाइटिंग सिस्टम या लगे हैं नहीं लगे, इन तमाम पहलुओं की जाँच की जा रही है और तमाम पहलू जाँच की जाएगी तो उसके बाद निकल कर आएगा कि क्या वास्तव में जो गेम जोन है जो सही मानकों पर चल रहे हैं नहीं चल रहे। इतना जरूर है कि करीब एक दर्जन से ज्यादा नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में बड़े मॉल्स हैं या कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े गेम जोन हैं, और पहले भी आपने अभी मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी बता रहे थे कि किस तरीके से पुणे का जो गेम जोन है उसमें FIR तक दर्ज हुई थी एक महिला के उसकी गिरने से दिक्कत भी हो गई थी। तो ये चीजें हैं जो बड़ी बारीकी है, लेकिन राजकोट के हादसे के बाद में सरकार अलग मोड पर है, प्रशासन है वो एसपी मोड पर है, मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं तमाम उन अधिकारियों की, और उसमें राजकोट का जो मुद्दा है वो यहाँ पर उनको डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए गए कि आप जाइए निरीक्षण कीजिए बच्चों के, और जो गेम जोन है या कह सकते हैं कि नियमों के विपरीत चल रहे हैं उनको आप कार्रवाई कीजिए। दो टूक सरकार का है क्योंकि जान से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग जिनके घर के अंदर ये इसकी जाने गई हैं, उनका भाई बहन या अलग अलग जो कह सकते हैं रिलेशन में है, तो उनकी जो हालत है वो बड़ी विपरीत करने वाली तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही है। लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि गेम जोन है, अधिकतर कार चलती हैं, इलेक्ट्रिक से चलती हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टायर्स होते हैं कल्चर हो गया उनके ऊपर रंग पेंट कर देते हैं, उसको एक डेकोर कह सकते हैं कि नया कलेवर देने की कोशिश की जाती है, एक नया लुक देने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह की घटना राजकोट में हुई कि उस कलर जो आप टायरों के अंदर नया लुक देते हैं तो वो जल्दी आपको है वो कैच करता है, तो इस तरह की घटना हुई है। इस तरह की घटनाओं को देखने के लिए आज नगर निगम की टीम है फील्ड में अवकाश के दिन यहाँ पर उतरी हुई है। जी दीपक, क्या ये सब चीजें भी देखी जाएगी, क्या इतनी बारीकी से देखा जाएगा क्या कि वहां पर फर्स्ट एड वगैरह होता है कि नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर ये लिख दिया जाता है कि अगर कोई दुर्घटना घटती तो उसमें जिम्मेदारी खेलने वाले की होगी या पेरेंट्स की होगी, अब ऐसे में इनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या इनको भी देखा जाएगा, क्या कौन कौन से मानक होते हैं जिन पर खरा उतरना बहुत जरूरी है किसी भी गेमिंग जोन को? देखिए वैसे तो सबसे बड़ा है फायर फाइटिंग सिस्टम, आपके पास फायर एनओसी है या नहीं है। अधिकतर आपने देखा होगा कि नगर निगम ने अधिकतर या तो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हो या मॉल्स हो या बड़े कह सकते हैं कि अपार्टमेंट्स हो या नाइट क्लब्स हो, ये तमाम वो चीजें हैं जहां पर आपको ना कह सकते हैं कि आपको परमिशन लेने की जरूरत के साथ फायर एनओसी की भी आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको ना के बराबर फायर एनओसी मिलेगी क्योंकि कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपने अधिकतर जो घटनाएं देखी होंगी, कल राजकोट वाली घटनाएं उनके यहाँ भी फायर एनओसी नहीं थी और ये बड़ी घटना हो गई। फायर फाइटिंग सिस्टम आपके इक्विपमेंट लगे हुए हैं लेकिन वो जंग तो नहीं खा गए हैं, आपने एनओसी तो ले रखी है लेकिन क्या वो जंग तो नहीं खा गई है, वो फायर फाइटिंग सिस्टम सही संचालित हो रहे ही नहीं हो रहे हैं, या उसका जो चलाने वाला है जो एक्सपर्ट है वो है या नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। और क्या जो जितना आपका एरिया है उससे ज्यादा लोग तो उसके अंदर नहीं है, इन तमाम चीजों को गहनता से जांचा जा रहा है, उनको डायरेक्शन भी यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं कि आपको ये नॉर्म्स हैं इसको फॉलो करना है, आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा, और हो सकता है कि आज शाम तक इस तरह की तस्वीर भी हो कि कई जगह कार्रवाई की आंकड़े भी सामने आए और कार्रवाई की चीजें भी यहाँ पर सामने आए कि कई जगह नॉर्म्स की पालना नहीं की जा रही हो या बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली तस्वीरें या वो नियमों के मुताबिक उस गेम जोन को संचालित नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आयुक्त रुक्मणी रियाज ने सख्त डायरेक्शन है, उन्होंने DC जो कह सकते हैं फायर है सरिता मीर उनको यहाँ पर भेजा है फील्ड के अंदर, इसके अलावा CFO वो फील्ड के अंदर है, AFO फील्ड के अंदर है, उनकी पूरी टीम फील्ड के अंदर है, उनको जोन वाइज यहाँ पर एरिया तय कर दी कि आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर तमाम जितने भी फायर गेम जोन है उनकी रिपोर्ट शाम को यहाँ पर संबित कीजिए कि क्या स्थिति के अंदर गेम जोन चल रहे हैं, कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ वाली स्थिति तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मॉल्स है उसका एक माला है उसके अंदर गेम जोन है किसी का ऐसी इलाकों के अंदर, क्योंकि एक एक कल्चर बन गया है गेम जोन का कि लोग ये कह सकते हैं कि लोग हैं अपने बच्चों को गेम जोन के अंदर जाना भेजना है ज्यादा पसंद करते हैं, उनको एक कार्ड सा दिया जाता है आपका जो उसकी भी एक रेट है अलग अलग गेम्स के अंदर उसको आप स्टेप कीजिए उतना पैसा कट जाएगा, तो ये तमाम चीजें हैं
ये भले ही एक फंडा है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे इसके लिए आकर्षित होते हैं और जितनी फैसिलिटी दी जाती है उसमें ज्यादा वहाँ पर भीड़ रहती है। आपने देखा होगा डिस्काउंट के चक्कर में वहाँ राजकोट के अंदर कितने लोग वहाँ पर पहुंच गए। यदि 500 रुपए यदि फीस रहती, निर्धारित रहती है, वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम होता अनुसार चलता, तो शायद ये तस्वीरें नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत जरूरी है जो अभी हो रहा है। फाइनली प्रशासन जागा ही सही, लेकिन अब यहाँ पर ऑडिट हो रहा है, प्रशासन एक्शन में है। राजकोट में अग्निकांड के बाद में ये एक्शन दिखाई दे रहा है, सारे गेमिंग जोन चेक किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक।